हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग कर रही हूँ वो मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। इस चैनल पर मैंने काफ़ी टाइम से ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए रीडिंग नहीं की है। तो देखते हैं गाइज, अभी आपके डीएम की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आए हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस जर्नी में आगे क्या होने वाला है, क्या एक्शन आपके पर्सन लेंगे, क्या करंट चैलेंज अभी आया हुआ है आपकी इस जर्नी में। तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं आपको हेल्प मिल सकती है कुछ ना कुछ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला है मेंटल कंफ्लिक्ट, एयर साइन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स एरीज लियो सजिटेरियस। Fulfillment of wishes, Cancer, Scorpion, Pisces. Moving on, Gemini, Libra, Aquarius. Earth sign भी आ गया यहाँ पर, Taurus, Virgo and Capricorn. क्या चल रहा है इस person की life में? Element तो सारे ही आ गए हैं यहाँ पर। मेंटल कन्फ्लिक्ट दिख रहा है इस पर्सन की लाइफ में। हो सकता है कि ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो इस पर्सन की लाइफ में आया है ये इसलिए आया है क्योंकि इस पर्सन के सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं और इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, ये किसको सिलेक्ट करे, किसको चूज़ करे। एंड बिकॉज ये अभी थोड़े से कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं क्योंकि ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पर क्लियर देख रही हूँ। यहाँ पर गाइज ये अपने करियर के बारे में भी सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में लव लेकर आने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसको अपनी लाइफ में पीस भी चाहिए, ठीक है, और पर इसको कंक्लूजन नहीं मिलते हुए दिख रहा है मुझको। तो थोड़ा सा इसको ना अभी मेंटल स्ट्रेस या फिर कह लीजिए स्ट्रेस में है ये पर्सन, अकेला दिख रहा है मुझे। इसको अपनी सारी विशेस पूरी करनी है, इसको अपने लिए घर बनाना है, इसको अपने लिए एक फैमिली बनानी है, एक जिम्मेदार पर्सन बनना है अपनी लाइफ में और अपनी विशेस पूरी करनी है और डार्क से लाइट की तरफ मूव करना है इस पर्सन को। लेकिन ये इसके लिए अभी टफ टाइम दिख रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग वाला टाइम इसके लिए मुझको ये दिख रहा है राइट नाउ। तो अभी कह सकते हैं हम कि पीस नहीं है इस पर्सन के पास और थोड़ा सा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन स्टिल एक अच्छी बात ये है कि ये रोशनी की तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है। ये एक कंक्लूजन पर ज़रूर पहुंच जाएंगे और इसकी विशेष जरूर, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट मिलता है। तो ये पर्सन रुक नहीं रहे हैं, ये मेहनत तो कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा तो रहे हैं। आपके लिए क्या सोच रहे हैं? रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड नंबर 3, मटेरियल हार्वेस्ट नंबर 9, नंबर 4, नंबर 1 अवेयरनेस, वी हैव नंबर 1 अगेन ट्रायम्फ एंड सक्सेस। ओ, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। अब बस वेट ही करते रहो और डिवाइन की जजमेंट का वेट करो, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। फिलहाल गाइज इस पर्सन ने ये कनेक्शन सरेंडर किया हुआ है, ये नहीं सोच रहे आपके बारे में राइट नाउ। सॉरी टू से, बट जो रीडिंग में आएगा मैं आपको वही बताऊँगी, मैं कुछ अपनी तरफ से बना के नहीं बोल सकती हूँ। ये पर्सन सोच नहीं रहे हैं अभी आपके बारे में, इसको अभी सच में अपने वर्क, अपनी लाइफ, अपने खुशियों के बारे में ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं, आपके बारे में नहीं कर रहे हैं।
ये अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, इसको अपनी लाइफ में सक्सेस लेकर आना है, बट इस कनेक्शन को इसने टोटली सरेंडर कर दिया है। तभी आप इतना अकेला अकेला सा फील कर रहे हो और आपको एक, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि ड्रीम में नहीं आ रहे हैं, ड्रीम में आ रहे हैं, थोड़ी सी देर के लिए आ रहे हैं, लाइक एक दो, मतलब आपको झलक दिख रही है इस पर्सन की ड्रीम में, या तो आप इसको अपने ड्रीम में मोबाइल में ही देखते हुए दिख रहे हो, या फिर ये आपको कहीं किसी प्लेस पर दिख रहे हैं, बट ये दिख तो रहे हैं आपको, चाहे थोड़ी सी देर के लिए ही सही। तो ये कनेक्शन है, तो अभी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्सन ने इस कनेक्शन को सरेंडर करा हुआ है, और ये अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस, अपना फ्यूचर मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और वेट, आपको डिवाइन कह रहे हैं आप वेट कीजिए, क्योंकि डिवाइन भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। तो आपके लिए या तो देखो आप भी सरेंडर कर दो और टेंशन फ्री हो जाओ उस पर्सन से, या फिर आप आराम से वेट करते रहो, क्योंकि वेट तो आपको करना ही पड़ेगा इस पर्सन का, अगर आप इसके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हो तो वेट करना पड़ेगा गाइस, बिकॉज अभी ये अपनी लाइफ को ठीक करने में लगे हुए हैं, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। चलो यहाँ से देखते हैं और क्या है इसके लिए। और द फूल, मन में तो होता है इसके कि रिकन्सिलिएशन कर ले आपके साथ, बट स्टिल इसने सरेंडर किया हुआ है। तो सेवन ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो रही है इसकी, मेन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर। अगर ये कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। देखो टावर मोमेंट फेस कर रहे हो आप लोग राइट नाउ इस कनेक्शन में। ओ गॉड, भगवान आपको शक्ति दे के आप इस टावर मोमेंट के साथ डील कर सकें अच्छे से। फोर ऑफ कप्स, अगेन ये कार्ड आ गया इसने, देखो ना इस टावर मोमेंट में ये भी नहीं समझ पा रहे ना क्या करें क्या ना करें, कैसे डील करें, क्या एक्शन लें, तो इसने सरेंडर कर दिया है। जब चीज़ें ठीक होगी अपने आप ही सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। टेन ऑफ कप्स, हो सकता है इसकी फैमिली वाले भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। भगवान है तो सब है, दी हेरोफेंट। आपको अपनी एकेडमिक्स, अपने फ्यूचर, अपनी स्टडी, अपनी जॉब पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए राइट नाउ, दोनों को ही, आपके पर्सन तो कर ही रहे हैं, तब कुछ चेंज आ सकता है इस कनेक्शन में। अदरवाइज तो देखो ना फोर ऑफ कप्स का कार्ड, ये फाइव ऑफ कप्स था, ये फोर ऑफ कप्स यहाँ पर फिर से आ गया है। इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया है और ये रिग्रेट में भी है, ऐसा नहीं है कि सरेंडर करके खुश है। देखो मैजिशियन का कार्ड आ गया है यहाँ पर फिर से, ये पर्सन मैनिफेस्ट ही करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपको जस्टिस के लिए वेट करना पड़ेगा, आपको जस्टिस के लिए वेट करना पड़ेगा। आपको पता है ये आपके ट्विन फ्लेम है, आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, बट जर्नी तो ईजी नहीं होती ना, आप सबको पता है। अब कोई भी इतिहास में देख लो, कोई भी अगर ट्विन फ्लेम की जर्नी अगर इजी रही हो या सोलमेट की जर्नी इजी रही हो, तो आप अपने कनेक्शन को कंपेयर कर सकते हैं उनसे। तो गाइस कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन जितने के भी मैंने देखे हैं अब तक, कोई भी इजी नहीं है। जिसमें मैं सबसे ज़्यादा टफ कनेक्शन मानती हूँ लॉर्ड शिवा और पार्वती माँ का। पार्वती माँ ने बहुत तपस्या की थी और भगवान शिव को भी माता का साथ चाहिए था, लेकिन पर वो क्या कर सकते थे, उनको अवेकनिंग तो करवानी थी ना माता की, तो वो दूर दूर हो रहे थे। लेकिन फिर भी जब कुदरत ने किसी को एक दूसरे के लिए बनाया है, तो वो मिलाने में भी मदद करती है। ठीक है, तो आप जस्टिस का वेट कीजिए, अगर आपको लगता है आपके ट्रू सोलमेट हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम है, देन डेफिनेटली आपका यूनियन तो होगा ही, डेफिनेटली होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप दोनों ही अपनी अपनी अवेकनिंग को पूरा कर लेंगे, ठीक है, और इस प्रोसेस में पास हो जाएंगे, देन आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी, आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिलेगा, जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएगी, ये सक्सेस आपको मिलेगा, ये क्लियर है गाइस, ये रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड सब कुछ आप ही का है, बस आपको अर्न करना है इसको। गिव अप ना करें, मैं आपको गिव अप करने के लिए कभी भी नहीं कहूंगी। जब डिवाइन कहते हैं ना पेशेंस, तो फिर पेशेंस, क्योंकि वो कुछ ना कुछ प्लान तो कर ही रहे हैं। और ये जो जब भी अवेकनिंग हो रही होती है, तो सच में ना इंसान अकेला ही होता है एकदम, और बहुत मुश्किल से वक्त कटता है, बट आपको डिवाइन स्ट्रेंथ भी देंगे, पावर भी देंगे,
विन विन आउटकम ही आना है इस रिश्ते में एट द एंड। पॉजिटिव रहो ना, क्यों स्ट्रेस में हो, जब होना होगा यूनियन हो जाएगा। आप लोग किसी रश में तो हो नहीं, है ना, आराम से रहो, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, रिलैक्स रहो, चिल करो अपनी लाइफ में, अच्छा अपनी लाइफ को इम्प्रूव बनाने की कोशिश करो। और आपका तो हार्डवर्क पे हो रहा है, आपका हार्डवर्क पे हो रहा है गाइस, डोंट वरी, नो नीड टू वरी। टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग पर फोकस करो, एक्सपेक्ट करो पावरफुल चेंज ही आएगा, यही एक्सपेक्ट कीजिए कि यही होना है, एक पावरफुल चेंज आएगा, ठीक है, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएगी, आप यही इमेजिन करते रहा करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो अपनी। देखो आर्कएंजल रैफियल आपके साथ हैं, आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करने में कोशिश कर रहे हैं। वाओ आर्कएंजल, देखो आर्कएंजल्स का साथ है, आर्कएंजल यूरियल आपके क्राउन चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिजोनेशन, आप सरेंडर कर दो, आप आर्कएंजल रैफियल एंड आर्कएंजल यूरियल को अपने सारा कंसर्न, सारी एंजाइटी, सब कुछ सरेंडर कर दो, बिकॉज ये कनेक्शन थोड़ा सा टफ है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इतनी आसानी से अगर सच्चा प्यार मिलने लग गया तो सभी को मिल जाएगा, किसी किसी चीज को पाना जो यूनिक है, स्पेशल है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। अपने एंजल से हेल्प मांगते रहें, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नो नो, पता है किस लिए आया है, नो नीड टू वरी, सरेंडर कर दो बस, ठीक है, एंड डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, आपको बिल्कुल मेहनत करनी है, ये सिचुएशन बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, एंड नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिकॉज परफेक्ट टाइमिंग पर आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हैं। रुको मत गाइस, जितना हो सके मैनिफेस्ट करते रहो, ये सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। एंजल से हमेशा मदद मांगते रहो, स्ट्रेंथ मांगते रहो, ब्लेसिंग्स मांगते रहो, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको परफेक्ट टाइमिंग पर आपका जो भी अबंडेंस आपके लिए डिवाइन ने लिखी हुई है वो सब आपको मिलेगी। चलो अब यहाँ से देख लेते हैं, यू मेक मी फील अलाइव, देखो आप इस पर्सन को अलाइव फील कराते हैं, यू आर माई सोल मेट, ये खुद कह रहे हैं आपको कि आप इसके सोल मेट हैं, फील होता है इस पर्सन को भी, यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, आपको स्मार्ट कह रहे हैं, प्रैक्टिकल कह रहे हैं, यू आर वेरी फॉरगिविंग, इसको पता है कि आप इसे माफ भी कर दोगे, You accept and respect my limitations. You never let me feel lonely. हमेशा तो आप इसे याद ही करते हो, तो आप ये कैसे lonely feel कर सकते हैं, इवन आप करते हो lonely feel तो। You are honest with me. इस person को पता है कि आप हमेशा इसके साथ honest रहोगे, और आप इसको हमेशा बहुत ध्यान से सुनोगे, You listen to me well. Wow. सारे messages बहुत अच्छे दिए हैं इस person ने आपके लिए। और गाइस थोड़ा सा टफ टाइम है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है इस पर्सन को, कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में, बट स्टिल वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसे पॉइंट पर ज़रूर आ जाएंगे जहां पर आप दोनों का यूनियन भी पॉसिबल है। सो करते रहो अपना इनर वर्क, अपना कंसर्न सरेंडर कर दो आर्कएंजल रैफियल, आर्कएंजल यूरियल को, दे विल हेल्प यू डेफिनेटली इन सम इन इन दिस मैटर, एंड अपनी ब्लेसिंग्स आपको देंगे, और आपको डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव फील कराएंगे। सो कीप गोइंग, और अपने आप को खुश रखो, अपनी हीलिंग करते रहो, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक कर देना आप सभी मेरे वीडियो को। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।